रागिनी जैसी लड़की से तो शादी करके ना हमारे अनुराग का भाग्य खुल जाए। अरे बिन मांगे इस घर को पूरा ट्रक भर के सामान से लाद दिया था। हाँ वैसे सिस्टी बहू भी कुछ लाए थे, वो कानून का किताब किताब। सुनो हमारा बात, आज जब सब लोग पार्टी मनाते होंगे तुम बहाने से सिस्टी का कार्ड गायब कर देना है। सिस्टी के पापा आप पर बहुत भरोसा करते हैं, ख्याल रखिएगा भाई साहब। क्या करे, हमारे मिस्टर पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अम्मा कहती है कि इत्र छिड़कने से भूत प्रेत का भी ध्यान भंग हो जाता है। ये तो फिर भी इंसान है। आज चाहे जो पूछे हम इनको खीर खिलाए बिना सोएंगे नहीं। मैं कितनी बार समझा है तुम मेरी बात नहीं सुनती ना, ये कोई जगह है सोने की, आराम से जाके बेड पे सो जाओ। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया, एक सेकंड ये लो थोड़ी खीर खा लो। अब पहले आप खाइए, आप ही के लिए तो बनाए हैं। अरे खाओ ना। नहीं आप खाएंगे पहले। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ।
करती हूँ। कैसा लगा आपको खीर? बस बस थैंक यू। सब काम तो इतने अच्छे से कर लेती हो, बस तुम्हारा जो तरीका है ना, तरीका खराब है, उसे ठीक कर। एंड बाय द वे वो खीर अच्छी है। थैंक यू। हम पक्का अपने आप को सुधार लेंगे, प्रॉमिस। ससुरा कोई हमें मिस्टर के साथ सपना भी नहीं देखने दे रहे, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ससुरा हमारी फोटो पे बैठेगा तुझे तो अभी बताते हैं। ये हमारे मिस्टर पोस्टमार्टम कर देंगे आज। आज तक वो छोड़ेंगे नहीं। हमें काटे तो काटे, अगर हमारे मिस्टर को काटेगा ना तो हम तुम्हें काट डाले। मिस्टर जी हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, बिल्कुल मत। अरे क्या क्या कर रही हो तुम, पागल हो गए क्या? आपके गला पे ना वो मच्छर बैठ गया तो उसको हटा रही थी। पता नहीं मच्छर भगा रही थी या खुद बैठने आई थी। इस लड़की से और ये सब चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। गया मच्छर गया। हाँ अब जाओ, तुम भी जाओ, उठो। सुनिए जी, कितना टाइम हो गया ना, आप कब तक काम करेंगे? खीर ठंडा हो रहा है ना। अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा और शायद हो सकता है मुझे पूरी रात हो जाए काम करते हुए। तुम आराम करो, सो जाओ। हम भी रागिनी सिंह हैं, हम आज आपको ये खीर ना खिला के ही मानेंगे। वैसे आज देवर जी का हैप्पी बर्थडे कितना अच्छे से मन गया ना। अच्छा हम जो केक बनाए थे कैसा बना था? कि हम जो केक बनाए थे वो एकदम फाइव स्टार होटल वाला नहीं लग रहा था, एकदम लल्लन टाप। हाँ मिस्टर जी, अरे कभी तो हमारा तारीफ करिए, हमें पता तो चले कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। क्या है रागिनी, क्यों मुझे परेशान? ये क्या बदतमीजी है? हमें आपको एक ही टेस्ट कराना था, हमारा काम हो गया। अब हमें ना बहुत सुकून की नींद आएगी। अब वैसे आपको ये खीर कैसा लगा? क्यों जबरदस्ती खिलाना चाहती हो मुझे? इसको जबरदस्ती नहीं, प्यार कहते हैं। आपको अच्छा लगा ना, आप और खाएंगे? अगर मैंने खाने से मना किया तो ये बिना खिलाए मानेगी नहीं। अब बहुत अच्छा है, मैं खुद खा लूंगा। हाँ यहाँ रख दो, रखो मैं खा लूंगा।
और अब मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। जाओ सो जाओ। एक बात और बताएंगे? क्या है? आप हमें अपने साथ पटना लेके जाएंगे ना? इसका मतलब आपको हमारे केक अच्छा लगा। गुड नाइट। मैं काम तो भूल गया। अच्छा सुनो। हाँ बोलिए ना। मुझे सारी रात काम करना होगा और कल मीटिंग में मुझे गारंटी के तौर पर प्रॉपर्टीज के पेपर जमा करने हैं और वो पेपर्स पापा के पास है, तो क्या प्लीज तुम वो पापा से लेके अपने पास रख लोगी? इन केस अगर मैं नहीं उठ पाया या सोता रह गया तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज पापा से पेपर्स ले लो। मैंने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है। हाँ हाँ, हम अभी जाके लेकर आते ना ससुर जी से। अरे रुको 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 रुको, अभी नहीं, अभी पापा सो गए होंगे, लेकिन सुबह तुम जल्दी उठ जाना क्योंकि पापा कल कोर्ट सुबह जल्दी जाएंगे, आजकल अर्ली मॉर्निंग कोर्ट है, प्लीज मिस मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हम अभी अलार्म लगा लेते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लगा दिया अलार्म। आज तुम अपना आखिरी सही निशान लगा लो, कल पटना में मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम खुद मानोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ भी सही नहीं है। यवास, अब तो 7 ही बजे है, देख क्या होते। इसे करना है वो पता है ना? बुआ तुम एकदम में चिंता मत करो, अब क्या कहते हैं एकदम एक्सपोर्ट है हम, ही सब बाएं हाथ का खेल है हमारे, तुम निश्चिंत रहो बस। टाइम में बर्बाद मत करो और जल्दी से काम शुरू करो, जा देखते जाओ कैसे हम लंका जीत के आते हैं, समझे? लंका जीत कर आना, चला आकर बताना। सुमा ससुर जी जो है निकल गए कचहरी के लिए। हाँ अभी निकले, अभी निकले तो आसपास ही होंगे ना, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम अभी देख कर आते हो। अरे बहू हुआ का ये तो बताओ। लगता है चले गए। अरे दुलारी दीदी, आप चाय लेकर क्यों आई? वो भी थी सुबह। ओ चाय तो बहाना है, अब हम तब तुमको शुभकामना देने आए थे, तुम्हारा परीक्षा है ना। थैंक यू दुलारी दीदी, लेकिन आप बहुत जल्दी शुभकामनाएं दे रही हैं, हम एग्जाम के लिए 9 बजे निकलेंगे। अब देखो हमको लगा कि तुम अभी जाने वाली है, वही चलते हम चाय लाए। कोई बात नहीं, आप चाय यहाँ पर रख लीजिए, आने के बाद करेंगे। एकदम ही सही समय है ये पुण्य कमाने का। कहाँ है ये, क्या कहते हैं उसको, एडमिशन कार्ड? छोटकी भौजी के कारण चुरा के उसको परीक्षा देने से रोकने का जिम्मेवारी हमको पूरा करना होगा।
इतनी सवेरे सवेरे आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं दुलारी दीदी? बिशु बाबू, छोटकी बुआ बुलाई थी तुमको, तो हम तुमको बुलाने के लिए आए थे। हमको लगता है हमारे साथ साथ आपकी भी नींद नहीं खुली है। बुआ हमारा बिस्तरा थोड़ी है, हमारा बिस्तरा तो यहाँ है। हम अलमारी में थोड़ी सोते हैं, हम तो यहाँ सोते हैं। हाँ वो तो है, हमको लगा कि जाना काकी बुलाई है तुम पे। हम नहीं जा रहे, सुबह सुबह अभी हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई। मम्मी जा रहे। अरे यहाँ से जाएगा नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? बिशु बाबू उठो ना, जाइए ना, काकी बुलाई है ता। ऐसे बड़ लोग का कहना मानना चाहिए ना, है? उठिए। तुम कितना सियाना हो, है? बहुत समझ। अरे कहाँ है? हम अपनी चपला लेने आए थे, ऐसी थोड़ी चले जाएंगे। अरे तो घर में ना जाना है, कौन जंगल में जा रहे है? कहाँ है, सुबह सुबह चिल्ला रही है। सासू मैया फोन दीजिए अपना, फोन दीजिए। हाँ, पर ये तो बताओ कि अनुराग को बाबूजी को कहाँ खोज रही हो? कहाँ बताए सासू, हमारे मिस्टर जी हमें बोले थे सवेरे सवेरे ना ससुर जी से जमीन का कागज लेने के लिए, उनको पटना में जरूरत होगा। अब हमें तो समझे में नहीं आ रहा कि हम लेट हो गए या फिर वो जल्दी निकल गए। अरे विश्व बेटा, दुलारी, दुलारी, हम काहे बुलाए विश्व बाबू को? बेकाहे मतलब में उसे जगा दी। हम कहाँ कहे कि आप बुलाई हैं? अब हमको लगता है विश्व बाबू नींद में हैं। अरे आप ही तो हमको बोली थी कि काकी हमको बुला रही हैं। विश्व बाबू हम कहाँ ऐसा कुछ कहे, वो हम छोटकी भाऊजी के लिए चाय लेके आए, इनको लगा कि काकी है, ये हमसे पूछे कि काकी कहाँ, हम कह दिए नीचे आई चले गए। हम ऐसा बोले थे का? हाँ नहीं तक आई है बोल पे किए। अरे सृष्टि जी आप नहा भी ली? जी। सब कांड हो गया, बस एक कारण नहीं मिला है हमको अभी तक। उठा लो ससुर जी, फटिया पर रहे होंगे ना, फोन नहीं उठा रहे हैं। अब हम क्या करें, अब हम कचहरी जाएंगे तो लेट हो जाएगा ना, इनको पता चलेगा तो पता नहीं कहाँ बवाल करेंगे। आपको पता है का जमीन का कागज कहाँ पड़ा सासू माँ? नहीं बहुरानी, कागज पत्र का मामला तो उसे जानते हैं, क्या करें समझ में। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मुझे लगा तुम्हारे अंदर कुछ तो सुधार आया होगा। एक काम नहीं होता तुमसे ढंग से, तुम्हारे चक्कर में ये प्रोजेक्ट जाएगा मेरे हाथ से। आखिर कौन से जन्म का बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? सारी तैयारी खराब हो गई इस बेवकूफ लड़की के चक्कर में। हर बार मेरा बनता काम तुम्हारी बेवकूफी की वजह से बिगड़ जाता है। अब मैं क्या कहूंगा पटना जाके सबको? बेटा इस पे गुस्सा होने से क्या होगा है? तुम खुद ही कागज ले लिए होते अपने बाबूजी से, ये कहां जाने कागज पत्र का मामला है। अभी हमारे मिस्टेक पर पूरा सुंदर कांड सुनाएंगे, से तो अच्छा है कि हम कान बंद रखें और आंख खुली रखें। कहां नुकाएं इसको? यहां नुका लेते, अब ऐसे नुकाएंगे तो कोनो आनर को भी नजर आ जाएगा। अब कहां करे, कहां हम फिर से सोने जा रहे हैं, हमारा नींद भी पूरा नहीं हुआ। इतना अच्छा खासा सो रहे थे हम, हमें आके फालतू में जगा दिए और उधर अनुराग भी हंगामा करने लगे। जा रहे हम सोने। हाँ तो जाओ ना, सो जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम?
माँ बेटे में बहस करवा के तुम मजे ले रही हो? यही चाहती थी तुम, करेक्ट? ये सब तो इस घर का रोज का तमाशा हो गया है, हमें अपना रिवीजन करना चाहिए। अरे बेफालतू का बहस तो तुम कर रहे हो अनुराग। अरे इसको डांटने से अच्छा है कि तुम ये सोचो कि काम कैसे बनेगा। हाँ मैंने पटना पहुँचने का टाइम दिया हुआ है, क्या बोलूंगा जाके? इसके साथ कुछ दिन और रहा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। हे दुर्गा मैया, फोन लगवा देना इस पर, नहीं तो ये हमारे पटना जाने का लाइन कटवा देंगे। अब दोबारा मत जगाइएगा, काकी हमें को बुलाएंगी तो भी मत जगाइएगा, हम खुद ही जागेंगे तो अपने आप चले जाएंगे मिलने के लिए। हाँ, हाँ, ठीक। अरे दीदी आप अभी तक यहीं पर हैं? हाँ वो हम सोचे कि तुम चाय पी लोगी तो हम खाली कप ले जाएंगे, अब कौन बार बार आएगा जाएगा। आज हमारे चक्कर में ऐसी परेशान हो गई ना। पी लेते हैं। हेलो पापा। पापा वो मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, मीटिंग में उनकी जरूरत है। कहाँ पे हैं वो पेपर्स? ठीक है, ओके। क्या कहे? आपके कमरे में अलमारी में पेपर्स पड़े हैं, प्लीज जाके मुझे दे दीजिए। इतना से बात के लिए कितना सुना दिया आप हमें? गलती तो सबसे ही होता है ना, हम तो रात में ही ना कागज मांगने जा रहे थे, आप ही ना हमें रोके थे। अब ससुर जी अलार्म से भी फास्ट निकल गए तो उसमें हमारा क्या गलती है? आपका फोन सासू। अरे हमारा एडमिट कार्ड कहाँ चला गया? अभी तो यही था थोड़ी देर पहले। ठीक से खोजो ना, देखो यही आऊंगा, कहीं रख ले होगी तुम। उधर नहीं हो सकता दुला दी, अभी यहीं पर था। अरे यहाँ पड़ा है। ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। अच्छा यार के रखो, ही कोनो जगह है रखने का। नीचे बहुत शोर हो रहा था ना, इसलिए हम रिवीजन नहीं कर पाए। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ससुराई कागज पत्थर के चक्कर में ना हमारा पटना जाना कैंसिल हो जाएगा। अरे हमारे मिस्टर जब देखो हम पे नजर गड़ाए रखते हैं ताकि हमसे कोई भूल हो जाए और उनको हमें डांटने का मौका मिल जाए। ससुर हमारे बाबूजी ने कभी हमें नहीं डांटा और ये हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं, वो भी कानून की देवी के सामने। अरे अगर हमें डांटना ही है तो ये कमरे में अकेले में डांटिए ना, लेकिन नहीं, ये तो हमें पूरी महफिल के सामने हमारी इंसल्ट करे। मजा आ रहा ना हमें ऐसे खरा खोटी सुना के? अरे आप हमें ये डांटना फटकारना बंद करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, हमें बताइए। ऐसे नहीं मानेंगे आप, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत चिल्लाते हैं ना हम पर, अब हम आपको बताते हैं कि आप चिल्लाते समय कैसे लिए? मस्त लगते हैं आप, बाकी अंदर से ना बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे हम बनाए हैं आप। तुमसे तो ना एक कोई काम ठीक से नहीं होता है, अब बातें तो ऐसे करती हो, अब हुआ तुम्हारे लिए दिल चीर कर दे देंगे। वह देखो तुम बहुत ते खिसियाल हो, बाकी तेका सोच के देखो ठंडा दिमाग से, हम कोशिश नहीं किए का है? अब फेल हो गए तो क्या करेंगे कहो?
तुम्हारा फेल होने का मतबल जानती हो। सारे के संदूक का पास होना, अगर वो पास हो गई ना तो हम सब फेल हो जाएंगे। फिर जिंदगी भर करती रहना उसका चाकरी। तुमको तो कोनो की मेहनत का कदर नहीं, ये नहीं दिख रहा है कि हम कितना कोशिश किए। रेंगे ना, माथा मत गरम करो, जाओ यहाँ से। छोटका फूफा देख रहे कैसे खिसी आ रही है हम पर, हम ही नहीं इनको मिलते हैं खाली। जमा से कपार गरमाया हुआ लग रहा। अरे गुड़ खाइए और माठा पीजिए, इतना काहे परेशान हो रही है भाई। अभी हो ना, आपका जो प्लानिंग है फेल नहीं हुआ है। अरे बहुत कुछ है अभी करने को। का मतलब आपका? मतबल मतलब सब बताता हूँ आपको। सृष्टि का जो एग्जाम सेंटर है ना, उसको हुआ तक ले जाने का जिम्मेवारी भैया हमको दी है। तो जब तक उसका एग्जाम चलेगा तब तक हम वहीं रहेंगे। बाकी एक तो हमारा आदमी भी है जो सेंटर में रहेगा। पढ़ते रहे जितना कानून का किताब पढ़ना है, उसका फैसला तो हम ही सुनाएंगे। ये तुम मेरी फोटो फ्रेम के साथ क्या कर रही हो? हम वो जाला लग गया ना, वो साफ कर रहे हैं। जाला देखे? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। छोड़ो। इस घटना के बाद तो हमारा पटना का प्लान कैंसिल समझो। अब तुम पटना जरूर चलो। तुमने मेरी फोटो में शक्ल दिखाई है, मैं तुम्हारा पटना में वो हल करूंगा कि तुम्हें अपनी शक्ल से नफरत हो जाए। वाह, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा आर्टिस्ट है। वाह, लेडी लियोनार्डो द ग्रेट, वेरी गुड। इसका मतलब आप हमें पटना लेके जाएंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल लेके जाऊं, लेकिन एक शर्त। सर हमें सब मंजूर है, बताइए। ठीक है, तो इस फोटो को पहले जैसा कर दो। बस ये शर्त है? अरे आप जो बोलेंगे ना हम वो करेंगे। उस शरत ये थोड़ी ना होता है, ये तो काम होता है। शरत का मतलब होता है जीने मरने का जोखिम। आज काका हमें ड्रॉप कर रहे हैं, हमें रिवीजन करने का और मौका मिल जाएगा। अच्छा सृष्टि, नाउ टाइम टू गो। आई होप सब आज अच्छा हो जाए। सब अच्छा होगा। सुनिए हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना? बाय। सृष्टि जी, सृष्टि जी। देवर जी, जो आदमी आप सेंटर पे भेजे हैं, वो टाइम से पहुंच जाएगा ना? अरे पहुंच जाएगा मतलब भौजी, पहुंच चुका होगा वो तो। बस एक बार हम पहुंच के उसे बतिया लें, समझ लीजिए पूरा काम सही से हो जाएगा। तो गाड़ी तैयार है, चलते हैं भाई, लेट हो जाएगा ना। कुछ तो कमी लग रहा है। Mm-hmm.
मामला कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन ये मामला जो है ना, ये हरिनगर के हिसाब से ठीक है, पटना के हिसाब से नहीं। क्या कर सकते हैं हम? पटना का सफर अब देखिएगा मिश्रित, आपकी और हमारी जिंदगी का सबसे हसीन सफर होगा।